नमस्ते। आज मैं आपके लिए लौकी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने लौकी को छीलकर धोकर कद्दूकस कर लिया है और इसका पानी निकाल लिया है। अब हम इसमें मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को कूट कर लिया है। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। थोड़ी सी अजवाइन हाथ पे क्रश करके लिए है। 1/4 चम्मच के करीब चाट मसाला, 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। यहाँ पर बारीक काट कर मैंने पुदीने के पत्ते ऐड करे हैं और 2 बड़े चम्मच के करीब बेसन ऐड करा है। यहाँ पर बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट करके लिया है, कच्चा बेसन नहीं डालना है। तो आप भी एक बर्तन में बिना तेल के ही बेसन को थोड़ी देर भून लीजिए, फिर ऐड कर लीजिए। इस रेसिपी में पुदीने के पत्ते ज़रूर डालें, इससे रेसिपी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। अब हम आगे के प्रोसीजर में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे की एक लोई ले ली है। इसमें सूखा आटा लगाकर एक बड़ी रोटी बेल लेना है। अब हम इसके ऊपर मिक्सर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब भर के लिया है। इसको थोड़ा सा ट्रायंगल शेप दे देंगे क्योंकि आज हम ट्रायंगल पराठा बना रहे हैं। एक पार्ट को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, दूसरे पार्ट को इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरह से फोल्ड करके हाथ से थोड़ा प्रेस कर लेंगे। नीचे वाले पार्ट को भी इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल पराठा हो गया है। अब हम इसके ऊपर सूखा आटा लगा देंगे और थोड़ी सी कलौंजी लगा देंगे और हम इसे बेल लेंगे। कलौंजी लगाने से पराठा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और जब पराठा देखने में अच्छा लगता है तो खाने का भी मन करता है। तो ये पराठा हमारा बिलकुल तैयार हो गया है। अब हम आगे के प्रोसीजर में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तवा को रख लिया है गर्म होने के लिए। तवा के गर्म होते ही हम इसमें पराठा डाल देंगे। थोड़े से पलट लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है। अब इस तरफ तेल लगा देंगे। मैं यहाँ पर पराठा तेल से सेक रही हूँ, आप चाहें तो इसे घी या बटर में भी सेक सकते हैं। अब हम इसे पलट लेंगे, दूसरी तरफ भी तेल लगा देंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। अब हम इसे पलट लेते हैं। तो ये हमारा पराठा एक तरफ से अच्छे से सेक गया है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। इसको करछी से इस तरह से प्रेस करते हुए थोड़ा सा सेकेंगे। इससे पराठा और क्रिस्पी बनेगा और फूल जाएगा। ये देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा फूल गया है। तो ये हमारा शानदार लौकी का पराठा बनकर तैयार है। आप भी इस तरह से इसे ज़रूर बनाइए, आपको और आपके फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपके बच्चे लौकी नहीं खाते हैं और इस तरह से आप पराठा बनाकर उनको देंगे तो पराठा चट कर जाएंगे और पराठे की डिमांड करेंगे। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मैंने यहाँ पे इसे मीठी चटनी के साथ सर्व करा है। आप इसे तीखी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसे खोल के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए अंदर से भी स्टफिंग पूरी भरी हुई है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच।